सो नमस्कार दोस्तों, देखो यार ओला ने अपने ओला S1 Pro के Move OS 4 का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। अगर तुम Move OS 3 से OS 4 पे अगर तुम जाना चाहते हो तो भाई बात को ध्यान से सुनो। अगर आप एक बार OS 3 से OS 4 पे चले जाते हो तो तुम दोबारा OS 3 पर नहीं आ पाओगे, ये इसका एक डिमेरिट है। अब जो बीटा वर्जन होता है, देखो बीटा वर्जन ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसमें कुछ फीचर आपको नए देखने को मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन फीचर तुमको नए देखने को मिलेंगे, चलो हम पहले बात करते हैं। देखो आप बैटरी की चार्जिंग लिमिट फिक्स कर सकते हो। अगर आप बैटरी को 80% चार्ज करना चाहते हो, 90% चार्ज करना चाहते हो, 95%, ये तुम फिक्स कर सकते हो मैनुअली। देखो ऐसा लोग क्यों करते हैं, देखो जब 100% आप चार्ज करते हो तो बैटरी की जो लाइफ होती है वो डिग्रेड होती है। तो अगर आप 80% 90% अगर तुम चार्ज करते हो तो इससे तुम बैटरी की लाइफ काफी अच्छा इनहांस कर सकते हो। तो ये जो ओला की तरफ से फीचर देखने को मिला है सिर्फ इसी में ही देखने को मिलेगा, ओला के अलावा तुम किसी भी कंपनी में ये मॉडल नहीं देख पाओगे। और इसका जो दूसरा अपडेट है, देखो अपडेट तो बहुत सारे इसमें है लेकिन जो मेजर अपडेट की हम बात करने वाले हैं, देखो फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो सेकेंड अपडेट है इसमें इन्होंने अपने मैप को रियल टाइम काफी एक्यूरेट बना लिया है। देखो ये मैप इनका इस तरीके से जानकारी देता है कि सामने भीड़ है कि क्या है, रास्ता खाली है कि नहीं, यहाँ तक ही एक्यूरेटली नॉलेज देता है। तो अगर तुम OS 4 पे जाते हो तो भाई इन सब बातों को ध्यान देकर ही जाओगे, ऐसा ना हो कि एक बार OS 4 पे चले जाओ और तुमको पता चले कि OS 4 तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा है तो तुम OS 3 पे आना चाहो, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपनी ने कोई ऐसा फीचर ऐसा दिया नहीं है, कंपनी ने खुद पहले से बता दिया है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।